जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित और खुशहाल होंगे। तो आज पाउंडी रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जगन्नाथ जी अपने घर आने वाले हैं, तो बहुत ही खुशी का दिन है। और आप सब ने कैसे मनाया आप ज़रूर बताइएगा। दिन मैंने आप सबसे शेयर किया है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो ऑल फ्रेंड हैं उनको थैंक यू सो मच दिल से। और जो न्यू हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लाइक करना भूल जाते हैं आप सब, प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए और मुझे आगे बढ़ने की हौसला दीजिए, तो इससे मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज मैंने क्या क्या बनाया और कैसे हमने इंजॉय किया आज के दिन को, तो चलिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 पैकेट, यहाँ मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो प्रसाद में मैं बना रही हूँ रसगुल्ला, तो देखते हैं कैसा बनता है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा आज का वीडियो। तो यहाँ मैंने गरम करने दिया है दूध को और दूध हमारा उबल चुका है। यहाँ मैं 2 स्पून यहाँ लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और तो आप देख सकते हैं हमारा छेना निकल मतलब हो चुका है, दूध से छेना फट चुका है। और अब इसको मतलब एक कॉटन कपड़ा ले लेंगे और उसके नीचे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इस तरीके से मैं डाल ले रही हूँ। और इसको इसका जो पानी है ना वो हम अलग कर लेंगे, क्योंकि एक बार जो पनीर से फटा हुआ जो पानी है ना वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, उसको हम यूज में ले लेंगे, आटा गूंदने या फिर सब्जी में डाल सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो आप देखिएगा हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो इसका पहला पानी हम निकाल लेंगे इस तरीके से। मैंने एक थाली के नीचे एक बर्तन रखा हुआ है, तो इसके मैं अलग कर ले रही हूँ। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो पनीर से निकला हुआ पानी है, और इसको हम 2 या 3 बार अच्छी तरीके से धो लेंगे। उसके बाद हम इसे निचोड़ लेंगे। तो इस तरीके से मैं निचोड़ ले रही हूँ, जिस इसमें जितना भी पानी है उसका जो भी नमी है उसको पूरा निकाल देना है। और इस तरीके से दबाते हुए, और आप देख सकते हैं हमारा जो छेना है इस तरीके से निकल के आया है। और 2 पैकेट मिल्क में से ये हमारा देखिए इतना निकला है, तो देखते हैं कितना बनता है इसमें। तो यहाँ मैंने छेना को ग्राइंडर में डाल लिया है और इसे ग्राइंड कर लिया है, तो देखिए कितना सॉफ्ट बन चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे कोई बर्तन में। तो बर्तन में मैंने पहले ही यहाँ घी लगा लिया था ताकि ज़्यादा चिपके ना, तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाशनी, और चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरा शुगर लिया है, और शुगर जितना लिया है तो यहाँ मैंने 3 कटोरा पानी ऐड किया, क्योंकि हमें पूरा ठीक चाशनी नहीं बनाना, पतली चाशनी बनानी है। तो यहाँ मैंने डाल लिया, चाशनी उबल गई थी, तो मैंने यहाँ जो रसगुल्ला मैंने बनाया था वो 18 गोलियाँ बनी थी मेरी, छोटी छोटी गोलियाँ मैंने बनाई थी, तो ये मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और ये हमारा प्रसाद बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो आप भी इंजॉय कीजिए और कैसा बना है आप ज़रूर बताइएगा। और मुझसे मैं उतने परफेक्ट नहीं बना पाई हूँ, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर जो भी है प्रसाद है और प्रसाद तो जैसा भी अच्छा ही लगता है। और फिर मैं यहाँ बना रही हूँ पूरियाँ, और पूरियाँ बनाने के लिए आटा लगा रही थी, तो यहाँ मैंने आटा में कसूरी मेथी ऐड कर लिया है। उसके बाद आप जीरा या अजवाइन दे सकते हैं। और यहाँ मैंने वही पानी का यूज किया है जो छेना से निकला था, वो फर्स्ट वाला पानी, तो वो बहुत यूजफुल होता है, हम उसे फेंक नहीं सकते, मतलब आप किसी में भी सब्जी में भी डाल सकते हो या किसी में भी डाल सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बाबू मेरी हेल्प कर रहा है, और उसकी पूरियाँ देखिएगा कितना अच्छा बनाता है वो, और बहुत दिनों के बाद बना रहा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, पर जो भी है बच्चा बच्चे के हिसाब से अच्छे ही बना लेता है।
तो ये देख सकते हैं इसकी पूरियां। और ये जो छेना से निकला हुआ पानी है वो हाफ ग्लास बचा हुआ था, तो मेरा सब्जी ठीक हो रहा था तो मैंने इसमें डाल लिया था। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितना अच्छा बना हुआ है। और कोई भी सब्जी हमारे ठीक हो जाती है तो आप इसे डाल सकते हैं। और ये हमारा लंच ब्रेकफास्ट जो भी, ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम में मैं बना रही हूँ एक चटपटा सा चाट बोल सकते हैं, लेकिन सब सामग्री तो नहीं है बस, और बिना सामग्री के भी हम टेस्टी खाना खा सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ चाट, और जो मेरे पास था उसी से मैंने बनाया है। तो यहाँ मैंने जो आलू की सब्जी थी उसी में ही बनाया है, और आलू की सब्जी मैंने जितना ज़रूरत अनुसार ले लिया है। उसके बाद इसमें हम मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, और सेवई नहीं है तो मिक्सचर में भी वही टेस्ट आएगा, तो यही मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे मिर्च, कटे हुए मिर्च, धनिया, और यहाँ ऐड कर रही हूँ काला नमक। और काला नमक डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे काला मिर्च। काला मिर्च को दरदरा कूट लिया है और यहाँ मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद दही और चीनी को मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। चटनी तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर दही ले लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब टेस्टी लग रहा है, दिखने में ही टेस्टी लग रहा है, खाने में कैसा होगा। तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। आप जुगाड़ू चाट बना सकते हैं इस तरीके से जब भी खाने का मन हो, और ज़रूरी नहीं है जो नहीं है हमारे पास वो चीज़ से भी वो चीज़ नहीं हो तभी हम बना सकते हैं टेस्टी खाना। तो आप अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।